आइए अब मैं उस शायर से आपकी मुलाकात कराऊं जो आपकी अपनी जमीन का शायर है, लेकिन उसने पूरे हिंदुस्तान में आपकी अपनी जमीन के नाम को चार चांद लगाए हैं। मेरी मुराद जनाब मोबीन राही से है। दोस्तों, ये आपकी मोहब्बतें हैं, मुझे पता है। अक्सर व बेशतर हमारी मुलाकात भाई मोबीन राही से दूसरे मुशायरों में होती रहती है। ये आपकी मोहब्बतें, मैं जानता हूँ कि ये शख्स अगर हिंदुस्तान में कामयाब हो रहा है तो ये सिर्फ अड़ावत वालों की देन है। आपने इसे कामयाब कर दिया तो पूरे हिंदुस्तान ने इसे अपने सरों पर बिठा लिया है। इरफान सिद्दीकी ने कहा था, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। रात से जीत तो पाता नहीं, लेकिन ये चिराग सुबह तक रात का नुकसान बहुत करता है। रात से जीत तो पाता नहीं, लेकिन ये चिराग सुबह तक रात का नुकसान बहुत करता है। आपके अपने शहर की अमानत आपके हवाले। जोरदार तालियों से मोबीन राही का इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। कौमी यकजहती का ये मुशायरा है और सदर मुशायरा जीवन साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, समाज की जिंगा दरा। सियासत मंदिरों मस्जिद की आफत ढा नहीं सकती, क्या बात है। ये वो तारीख है जो खुद को अब दोहरा नहीं सकती। बहुत अच्छे। सियासत मंदिरों मस्जिद की आफत ढा नहीं सकती, ये वो तारीख है जो खुद को अब दोहरा नहीं सकती। दिलों में नफरतों को हम पनपने ही नहीं देंगे, दिलों में नफरतों को हम पनपने ही नहीं देंगे। हमारी एकता पर आज कोई आ नहीं सकती। बहुत अच्छे मोबीन, वाह, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे भाई मोबीन। चार विषय देखेंगे। सभी मिलजुल के हम जो यौमे आजादी मनाते हैं, सभी मिलजुल के हम जो यौमे आजादी मनाते हैं, मिटा कर भेद एक दूजे से दिल मिलाते हैं। क्या बात है। सभी मिलजुल के हम जो यौमे आजादी मनाते हैं, मिटा कर भेद एक दूजे से दिल मिलाते हैं। मनाते हैं दिवाली और ईद साथ मिलजुल कर, मनाते हैं दिवाली और ईद साथ मिलजुल कर, दिए घर घर जलाते हैं, सिवैया साथ खाते हैं, दिए घर जलाते हैं, सिवैया साथ खाते हैं। और चार से देखिए हजरत, अभी नादान है गिरकर संभलना सीख जाएंगे, अभी नादान है गिरकर संभलना परिंदे खुद परों से अपने उड़ना सीख जाएंगे। अभी नादान है गिरकर संभलना सीख जाएंगे, परिंदे खुद परों से अपने उड़ना सीख जाएंगे। पढ़ाओगे सबक इनको अगर फिरका परस्ती के, पढ़ाओगे सबक इनको अगर फिरका परस्ती के, तो बच्चे एक दिन नफरत भी करना सीख जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने। पढ़ाओगे सबक इनको अगर फिरका परस्ती के, तो बच्चे एक दिन नफरत भी करना सीख जाएंगे। दोस्तों, एक नज्म पढ़ता हूँ, उसके बाद चाहता हूँ क्योंकि शोरा इकराम की फहरिस्त का भी तबील है। नज्म का उन्वान है, बहुत अच्छे। नज्म का उन्वान है दोस्तों, इस्लाम की तस्वीर। और जिन शरपसंदों ने इस्लाम की तस्वीर को गलत बयान की, मैं पेश करता हूँ और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। नज्म का उन्वान यहाँ से देखेंगे दोस्तों, इस्लाम की तस्वीर के सबक अमनो मोहब्बत का सिखाता है हमें इस्लाम। सबक अमनो मोहब्बत का सिखाता है हमें, सबक अमनो मोहब्बत का सिखाता है हमें इस्लाम। करो सबसे वफाई ये बताता है हमें इस्लाम। वाह। सबक अमनो मोहब्बत का सिखाता है हमें इस्लाम।
करो सबसे वफाएं ये बताता है हमें इस्लाम, न छोटा है न अफजल है न अदना है न आला है, मुसलमान बस मोहम्मद से अकीदत रखने वाला है। मोहब्बत के महकते फूल मेरे यार बांटो तुम, हमें मजहब सिखाता है वफा और प्यार बांटो तुम। गरीबों और यतीमों पर बुरा जब वक्त पा लेना तो फौरन दौड़कर उनको कलेजे से लगा लेना, किसी का छीन लेना हक नहीं इस्लाम सिखलाता, पड़ोसी हो अगर भूखा तो मोमिन भी नहीं खाता। जिंदाबाद, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, मोबिन जिंदाबाद भाई, वाह। किसी का छीन लेना हक, बहुत अच्छे भाई। सबक अमनो मोहब्बत का सिखाता है हमें इस्लाम, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। सबक अमनो मोहब्बत का सिखाता है हमें इस्लाम, करो सबसे वफाई ये बताता है हमें इस्लाम, न छोटा है न अफजल है न अदना है न आला है, मुसलमान बस मोहम्मद से अकीदत रखने वाला है। मोहब्बत के महकते फूल मेरे यार बांटो तुम, हमें मजहब सिखाता है वफा और प्यार बांटो तुम। गरीबों और यतीमों पर बुरा जब वक्त पा लेना तो फौरन दौड़कर उनको कलेजे से लगा लेना, किसी का छीन लेना हक नहीं इस्लाम सिखलाता, पड़ोसी हो अगर भूखा तो मोमिन भी नहीं खाता। नज़्म का दूसरा बंद देखिए, खुदा वाले हमेशा ये इबादत करते रहते हैं, खुदा वाले हमेशा ये इबादत, खुदा वाले हमेशा ये इबादत करते रहते हैं। अगर बीमार हो कोई इयादत करते रहते हैं, किसी की हो बहू बेटी अमानत इसको समझा है, जो डाले बद नजर हिकारत लानत इसको समझा है। किसी का गम हो अपनी जात से मंसूब करते हैं, कोई मजहब हो उसकी कदरों कीमत खूब करते हैं। नमाजी है खुदाए पाक पर ईमान रखते हैं, तो हम मंदिर की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखते हैं। नहीं कहने में और करने में कोई फर्क आया है, अगर वादा किया तो जान देकर भी निभाया है। वाह भाई जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह, नमाजी है, बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया। नमाजी है खुदाए पाक पर ईमान रखते हैं, तो हम मंदिर की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखते हैं। नहीं कहने में और करने में कोई फर्क आया है, अगर वादा किया तो जान देकर भी निभाया है। शरीयत का तकाजा है वतन पर जान उतार देना, वाह। शरीयत का तकाजा है वतन पर जान उठा देना, अगर खतरे में देखो मुल्क हस्ती को मिटा देना। मुसीबत में जो देखे हम वतन घर से निकलते हैं, सरों पर बांध के अपने कफन घर से निकलते हैं। हजारों बार जाती हमने सर को कटाया है, हुई जब जंग सरहद पर लहू अपना बहाया है। जरूरत जब भी पड़ी हर दौर में होने शहीद आए, कभी उल्मा कभी टीपू कभी अब्दुल हमीद आए। अगर पूछे कोई सौ बार तो बस ये कहेंगे हम, जरूरत खून की जब भी पड़ी आगे रहेंगे हम। वाह वाह, बहुत अच्छे मुबीन, वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। शरीयत का तकाजा है वतन पर जान उठा देना, अगर खतरे में देखो मुल्क हस्ती को मिटा देना। मुसीबत में जो देखे हम वतन घर से निकलते हैं, सरों पर बांध के अपने कफन घर से निकलते हैं। हजारों बार जाती हमने सर को कटाया है, हुई जब जंग सरहद पर लहू अपना बहाया है। जरूरत जब भी पड़ी हर दौर में होने शहीद आए, कभी उल्मा कभी टीपू कभी अब्दुल हमीद आए। अगर पूछे कोई सौ बार तो बस ये कहेंगे हम, जरूरत खून की जब भी पड़ी आगे रहेंगे हम। दोस्तों नज़्मों आखिरी बन बतौर खास जाजा से हजरत तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं चाहते हो कि जरूरत खून की जब भी पड़ी आगे रहेंगे हम, मगर कुछ सर फिरों ने हमी को बदनाम कर डाला। क्या बात है, मगर कुछ सर फिरों ने हमी को बदनाम कर डाला, हमारी एकता ईसार को नीलाम कर डाला। हमें बदनाम करने की सदा कोशिश में रहते हैं, न जाने किस सबब से हमको दहशतगर्द कहते हैं। मगर इंसाफ के आगे ये नफरत पल नहीं सकती, सितम और जुल्म की आंधी हमेशा चल नहीं सकती। तासुब का हमारी सम्त खंजर फेंकने वालों, मेरे मजहब को दहशत की नजर से देखने वालों, जो है तारीखों में महफूज तहरीर मत बदलो, खुदा के वास्ते इस्लाम की तस्वीर मत बदलो। वाह।